क्या अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के मुतलक सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल फरमाए? नहीं नहीं बताओ सही कहते हो तकलीफ को, और मर जाओ प्याली में पानी लेके डूब के मरो। ओ करता हूँ ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं करता हूँ। आप झूठ बोलते रहे बुखारी के हदीस। बिस्मिल्लाह, 10 मिनट काफी नहीं है? 10 मिनट काफी नहीं है? नहीं काफी नहीं है, 10 मिनट काफी नहीं है। नहीं आओ। आओ क्यों भाग रहे हो? ये है नहीं है, है नहीं। आप बताएं, अगर ये निकल आए तो आप शिया मजहब छोड़ेंगे? मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अगर मैंने दिखा दिया और आपको बता दिया, बातिल साबित किया, तुम क्या अपने मजहब को छोड़ दोगे? मैं आपको अगली नशिस्त में दिखाऊंगा। अगर मैंने बावजूद आपके इत्तेहा को बातिल साबित किया, तुम क्या अपने मजहब को छोड़ दोगे? आपकी खिदमत में दस बस्ता हाजिर हूँ। आप मौजू चेंज नहीं कर सकते। पहले आपके पास अबू बकर की खिलाफत पे जो सबसे मुहकम दलील है, उस पे बात होगी? नहीं करोगे? लेकिन खामोश रहे, नहीं करता मैं। अगर अबू बकर की खिलाफत पे बात नहीं करते तो मैं आपसे बात नहीं करता। करता हूँ ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? आपने बोला कि मतन पढ़े तो मैं मतन पढ़ रहा हूँ। फिर मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के मुतलक पेश करता हूँ। नहीं, पहले मौजू गुफ्तगू पे बात होगी। पहले मौजू गुफ्तगू पे बात होगी, उसके बाद अगर नहीं करते बात करते, मैं आपसे बात नहीं करता। मैंने कहा मैं करता हूँ। मतन का किसने बोला है अभी? आपने मतन का जिक्र किया? देखें, आपके पास अबू बकर की खिलाफत पे दलील नहीं है। आप मौजू, आप मेरे, मुझे बात करने दो, मेरी बात ना काटो। बोला है अबू बकर की खिलाफत पे अब बात नहीं करोगे तो मैं चेंज करूंगा भाई। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी वजह देखिए, आप बहुत अरसे से हमें तंग कर रहे हैं। अभी तो आज की बात तो नहीं है, आप महीनों से इधर आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे मुझे मेरी बात को बार बार काट देना और ऐसे फरी मसाइल जुजी मसाइल लेके आ जाते हैं ना, कि उन पे सब लोग मुझसे शिकायत करते हैं किस आदमी को क्यों टाइम देते थे। जो असल मौजू है वो अबू बकर की खिलाफत है, उस पर बिस्मिल्लाह करो, बात करो। अगर बात नहीं करोगे, कोई दूसरा मसला छेड़ोगे, आपसे बात नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं पढ़ने लगा हूं रिवायत, लेकिन आप खुद बात करते हैं, जब हम जवाब देते हैं तो आपको जनाबे वाला फिर बैठा नहीं जाता आपसे। अब ये बुखारी की हदीस देखे जी, बुखारी के अंदर हदीस ये थी कि हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास सुबह शाम दोनों वक्त में तशरीफ ना लाते हूँ। फिर जब मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत हबशा का इरादा किया, और जब आप बर के मकाम पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात जो है वहां मालिक से हुई, जो वहां का सरदार था। अच्छा, उस मकाम पर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक से उसने कहा जाने का इरादा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे निकाल दिया और अब तो यही इरादा है कि अल्लाह की जमीन में सैर करूं और अपने रब की इबादत करता रहूं। इस पर वो मालिक कहने लगा कि आप जैसा इंसान अपने वतन से नहीं निकाला जा सकता, तो आप तो मोहताजों के लिए कमाते हैं, सिला रहमी करते हैं और मजबूरों का साथ देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। उन्होंने तारीफ की और फिर वो आपको साथ ले आए शहर मक्का में। चुनाचे मालिक ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया और मक्का पहुंचकर कुफारे मक्का के तमाम अशराफ के पास थे। वो जो मालिक था वो गया कुफारे मक्का के सामने और उसने कहा कि अबू बकर जैसा नेक आदमी जो है अपने वतन से नहीं निकाला जा सकता, वो तो मोहताजों के साथ सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। चुनाचे कुरैश ने मालिक के कहने पर अमान जो है वो दे दी, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमान दे दी गई। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अमान नहीं मांगी और ये उस वक्त की बात है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मक्का में जलवा फरमाते, जो कि आगे बात आ रही है। और मालिक जो था उसने कुरैश मक्का से जो है अमान ली है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक, तो अमान ली और फिर जो है मालिक ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये ताकीद की कि अपने रब की इबादत अपने घर के अंदर करें। ये देखें कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इबादत अपने घर के अंदर अल्लाह की इबादत करने की बात हो रही है,
आप जो कहते हैं कि कोई मुशरिक बना देता है, वो तो फिर उसके साथ मिला हुआ होता होगा, वो भी मिला हुआ होता होगा, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है वैसे। क्या ये मतलब के अंदर ये बातें भी आ रही है, कल को आप क्यों छुपा रहे हैं। अच्छा जी आगे चले, और कुरान की तिलावत करें लेकिन हमें इन चीजों की वजह से कोई तकलीफ ना दे, यानी कुफार को इन चीजों से तकलीफ ना दे, उनके सामने ऐसा ना करें, उनके सामने नमाज ना पढ़े, उनके सामने ये बातें ना करें, और हमारे लोगों में इस तरह से फितना पड़ जाता है। तो जब हजरत अबूबकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बातें वो कह चुका, तो आप अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करने लगे। और उसके बाद हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ दिनों बाद कुछ दिन ऐसा किया, और उसके बाद फिर आपने अपने घर के सामने एक जगह बना ली, फिर आपने अपने घर के सामने जगह बना ली, और सामने जगह बना ली यानी सरे आम आप नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह का कुरान पढ़ने लगे, और लोगों के सामने आपने जो है अल्लाह की इस इबादत का जो है इजहार किया, और मुशरिकीन के बच्चे और उनकी औरतें जो है मजमा लगाने लगी और देखने लगी, और हैरत उनको होने लगी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पढ़ते हैं और आंसू जो है वो उनके बह रहे हैं। तो मुशरिकीन जो थे वो घबराए, और उन्होंने उस मालिक से ये कहला भेजा कि अबू बकर तो जो है वो आपने अमान दिलवाई थी, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो तो इस तरह सरेआम नमाज पढ़ते हैं और सरेआम तिलावत कर रहे हैं, सरेआम नमाज पढ़ रहे हैं और तिलावत कर रहे हैं, तो डर है हमें अपनी औलाद और औरतों का कि कहीं वो कितने में ना पड़ जाए, इसलिए अब तुम इनके पास जाओ, अगर वो इस पर तैयार हो जाए कि अपने रब की इबादत सिर्फ अपने घर घर के अंदर करें फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्हें इसका इनकार है तो उनसे कहो कि वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दें, वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दें, लेकिन इस तरह इन्हें इजहार और ऐलान भी करने नहीं देंगे। हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि इसके बाद जो है वो आया और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहा कि आपको मालूम है कि वो शर्त जिस पर मैं आपसे आपको अमान अमान दी थी दिलवाई थी, अब ये आप इस शर्त की हदूद में रहें या मेरी अमान मुझे वापस कर दें, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता कि अरब के कानों तक लोगों तक मेरी बात मेरी दी हुई अमान और ये बातें पहुंचे कि एक शख्स ने अबू बकर को अमान दी और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है अल्लाह की इबादत सर आम है, और कुरान पाक जो है पढ़ रहे हैं, अच्छा। अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो हजरत पढ़ने देख मिनट देख मिनट, तो करती अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया तुम्हारी आवाज वापस करता हूँ, अगर मेरी आवाज कट जाए तो फिर सुन ले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने उसे ये फरमाया कि मैं तुम्हारी अमान तुम्हें वापस करता हूँ। आप जो ये बार बार कहते रहे कि वो तो मुशरिकों की पनाह में थे, मुशरिकों ने उनको अमान दी हुई थी और इसलिए वो वापस भी आ गए थे, और हबशा जाके वापस आए हुए थे और हिजरत कर गए थे, और हिजरत वहां से फिर आ गए, और फिर हिजरत जो करके वापस आता है ये फेले हराम है। आगे मैं इस बात का जवाब देता हूँ, आगे इसमें यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों मक्का ही में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखलाया गया है, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये अमल जो है हराम पर मबनी होता तो रसूलुल्लाह ये ना फरमाते कि अबू बकर तेरी हिजरत का मकाम मुझे दिखाया गया है, और जिसकी हिजरत का मकाम रसूलुल्लाह को दिखाया जाए, और जो हिजरत में रसूलुल्लाह का साथी हो और जो रसूलुल्लाह के साथ सफर करने वाला हो उस पर जलने वाला उस पर बुझ खाने वाला वो दुनिया में भी अंधा है आखरत में भी अंधा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई साहब भाई साहब एक मिनट देखें आप सब का वक्त ले रहे हैं, एक मिनट भाई ना बोले, एक मिनट भाई मेरी बात खामोश हो, एक मिनट मैं बोलूंगा फिर आपकी बात में, एक मिनट खामोश हो भाई। बात यह है कि आपने बात करनी है अबू बकर की खिलाफत पर, भाई आप बात करें अबू बकर की खिलाफत पर, मेरे भाई अबू बकर की खिलाफत की दलील लेके आए, वो कहते हैं उसने हिजरत किया, और भाई बहुत सारे लोगों ने हिजरत किया है, मौजू अबू बकर की हिजरत नहीं है, मौजू है अबू बकर की खिलाफत, इतने हजारों लोगों ने मक्के से मदीना हिजरत किया है, इतने ये सब खलीफा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या बात करते हो तुम, मेरे लिए तू लगा दिया ये ज्यादती है, आप झूठ बोलते रहे बुखारी की हदीस पढ़ के और हमारे लिए टाइम लगा दिया, आपने हमारा वजह इस्तदलाल बयान ही नहीं किया है भाई, मैं करता हूं ना, मैं हदीस पूरी कर रहा हूं ना, आपको क्यों जल्दी पड़ी हुई, अब आपका पोल खुलने लगा इसलिए, आप पूरी करो बिस्मिल्लाह, मुझे पढ़ने दे पूरी हदीस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने यह बशारत सुनाई कि मैंने यानी मदीना की तरफ हिजरत करनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह नहीं फरमाया कि आपका यह फेल हराम है, जानी कौन है जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक का यह फेल हराम है, रसूलुल्लाह ने तो नहीं फरमाया।
रसूलुल्लाह तो तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह तो साथ ले जाने की बशारत दे रहे हैं, रसूलुल्लाह तो मदीने जाने की बशारत दे रहे हैं, रसूलुल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि मुझे ख्वाब दिखाया गया कि अबू बकर सिद्दीक जो है बागों वाली मदीने वाली जमीन की तरफ जाएंगे, और जारी कह रहा है उन्होंने फेल हराम किया है जो हिजरत करके वापस वो तो गए नहीं है। अगर उस वक्त का ये हुक्म नहीं है जो हदीस आप फिट कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं आप मुस्लिम की तरफ भागे इससे पहले याद रखें वो बात की हदीस है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, जब मदीना गए हिजरत हो गई तो उसके बाद की वो हदीस है। अभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हबशा गए भी नहीं थे, वापस आ गए, रसूलुल्लाह ने उनके फेल के बारे में फेल हराम ही कहा। तो यारी कौन है, शिया कौन है जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक ये बुखारी की आदि हदीस पढ़ के कहे कि उन्होंने हराम काम किया है? ठीक है, आप तो जितने सवाल है हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आप अब बात खत्म है आपकी, अबू बकर खिलाफत पे मजीद बात नहीं आपके पास, खत्म है बात, बात करें फिर आगे चलती है बात। ओके तो मेरे मोहतरम नाजरीन, इनको हमने बहुत टाइम दिया है, इनको बर्दाश्त किया है, और इनसे दलील के मौजू क्या है? अबू बकर की खिलाफत, अबू बकर की, अब आपके ये इनका फ्रीज हो गया वीडियो, अबू बकर की खिलाफत क्या है, कोई दलील पेश किया इन्होंने? ये अभी इनको जो टाइम मिला है ना वो मौजू है अबू बकर की खिलाफत। अगर आपके पास कोई दलील होती कि अबू बकर की खिलाफत, उनकी इमामत, उनकी हुकूमत शरई है, उसको जिक्र करते हैं, कुरान हो, सुन्नत हो, कोई दलील अकली हो, कोई कुछ भी हो, जिक्र करते। वो तो आपने जिक्र किया ही नहीं क्योंकि आपके पास है ही नहीं है। इसीलिए हमारे हंसने का हक है, आप पे मजाक उड़ाने का हक हमें पे है कि आपके पास दलील कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा इख्तिलाफी और निजाई मसला है वो है अबू बकर की खिलाफत, आपके पास तो कुछ भी नहीं है उस मसले पर। आप कहते हैं अबू बकर हिजरत साबित करने के लिए आए, अबू बकर ने हिजरत किया, मान भी लेना कि अबू बकर ने हिजरत किया है। भाई साहब मेरी बात ना काटें, आपकी आप म्यूट हैं, आपको मैंने म्यूट किया, जैसे मैंने मेरी बात ना काटें भाई, आपको बहुत मैंने टाइम दिया और आपकी गुफ्तगू के दरमियान मैंने बात नहीं किया। तो अब अच्छी तरह से सुन लो, जब मेरी बात ख़त्म होगी तो आप इंशाल्लाह आ जाएं, मैं आपको वीडियो पे ला दूंगा, आप मेरी बातों का रद्द कर लें, और आपका शिया मज़हब पर जो एतराज़ है मैं उसका जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। अब बात यहाँ पर है कि इन्होंने अबू बकर की खिलाफत पे तो कोई दलील पेश नहीं किया, ये कहते हैं कि मैंने अबू बकर हिजरत का बुतलान जिक्र किया था कि अबू बकर मुहाजिरीन में से नहीं है। उसका इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, और वो भी किसकी हदीस से? आयशा की हदीस से। आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं कि इन हजरत से हम पूछते हैं कि आप पहले हमें जवाब दें कि अगर आपके पास आयशा की हदीस पे आप उसको यानी अपनी हदीस को हम पे हुज्जत लेके आते हैं कि आयशा ने कहा कि अबू बकर जो है कुफार और मुश्रिकीन के पनाह से निकल गए थे। मैं आपकी खिदमत में यह रिवायत पेश करता हूं, पर यह मौलवी साहब इस बात का जवाब दे दें कि यह किताब है सही बुखारी चाबदार हयात तुराथ अल अरबी, यहां पर मुलाहिजा फरमाइए, बाबो हद्दुल मरीज अयशहद अल जमा किताब अल अजान में हदीस नंबर 664 है। यहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से फरमाती हैं, इन्नकुन्न सवाहिब यूसुफ, आप क्या हैं? आप सवाहिब यूसुफ हैं, आप यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवाहिब में से हैं। आप ये मुझे बताएं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सवाहिब थी क्या वो सच्ची थी या वो झूठी औरतें थी? ये मुझे, ये मौलवी साहब अभी आ जाए ना मुझे बता दें कि सवाहिब यूसुफ जो औरतें हैं, ये सवाहिब यूसुफ कौन है हमें बयान करें। जिस शख्स की हदीस आप लेके आए पे हुज्जत के तौर पर शियों पर, आयशा के आप अपनी किताब, आप शियों को छोड़ दें, आप अपने जवाब दे दें कि आप इस शख्स के हदीस को जब उसको अपने वालिद के मफाद में कोई हदीस नकल करती है ना कि मेरे वालिद जो है वो कुफार के पनाह से निकल गए थे, उसको आप तो, आप कैसे उसकी तस्दीक कर सकते हैं? आप शियों को तो छोड़ दें, आप अपने मजहब के मुताबिक बता दें। जब रसूल, वो खुद कहती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि आप सवाहिब यूसुफ हैं, मैं अब सवाहिब यूसुफ मोमिन थी या गैर मोमिन थी, सालिह थी या फाजिर थी, इसका जवाब मुझे दे दो, सादिक थी या काजिब थी सवाहिब यूसुफ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को सवाहिब यूसुफ कहा है तो फिर उसकी हदीस की तुम्हारे लिए कैसे हुज्जत रहती है, वो शियों के लिए कैसे हुज्जत हो? फिर आप जो कहते हैं ना मेरे भाई, जहां तक उसका ताल्लुक है अबू बकर की हिजरत का, हिजरत मान भी लेना कि उसने हिजरत किया है, मान भी लेना कि उसने हिजरत किया आए गार वगैरह, उससे उसकी खिलाफत साबित नहीं होती भाई, हमें खिलाफत की दलील चाहिए। अब आपने जो हदीस पढ़ी है उसमें से वजह इस्तदलाल, वो मैंने जो हदीस लेकर आया था उससे ये मेरा मकसद नहीं था कि मैं उससे साबित करूं कि
ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی. میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث یہ ہے بخاری میں کہ برق الغماد تک جب پہنچا ہے, حتی اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن الدغنہ, ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے, ٹھیک ہے نا, برق الغماد پہنچا ہے. برق الغماد جب پہنچا ہے ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی ہے, ابن الدغنہ نے اس کو پناہ دیا ہے. انہوں نے خود متن پڑھا ہے, وہ صحیح بھی پڑھا ہے, متن میں لکھا تھا کہ اس کو ابن الدغنہ نے ابو بکر کو قریش کے سرداروں کے پاس لے کے گیا ہے اور قریش کے سرداروں نے ابو بکر کو پناہ دیا. اب بعد میں یہ پناہ سے نکل گیا نہیں گیا, یہ الگ بات ہے, لیکن اس شخص نے یہ جو ہجرت کیا نا, ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع یہ کبائر میں سے, ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع گناہان کبیرہ میں سے, فسق ہے. کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار احیاء دار الفکر, یہاں پہ ملاحظہ فرمائی, باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطنہ. تم خود کہتے ہو نا کہ ابو بکر, تم نے ابھی اعتراف کیا, ابو بکر حبشے کی طرف نکل گیا تھا, راستے میں سے واپس آیا, یہ اس نے ہجرت کا آغاز کیا ہے, پس اس نے اپنے ہجرت کو ترک کیا ہے, برق الغماد پہنچ کے ہجرت کو ترک کیا ہے, کفار کے پناہ میں گیا ہے, کفار میں یہ اور پھر واپس مکہ آیا ہے اور مکہ میں رہنے لگا ہے کفار کی پناہ میں. آپ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ کفار کی پناہ سے نکل گیا ہے. اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی عائشہ ہے. عائشہ وہی ہے جو صاحب یوسف ہے, اس کا جواب دے دو. اگر صاحب یوسف سچی ہیں تو ہم عائشہ کو سچی مانیں گے, اس کے حدیث کی تصدیق کریں. اب میں نے آپ کا جواب دیا ہے, اب پھر آپ سے استدعا یہ ہے, اب میں آپ کو 10 منٹ ٹائم آپ کو دیتے ہیں, میرے سوال کا رد کریں, میری باتوں کا رد کریں اور ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل لیں. اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, اس 10 منٹ میں آپ سے استدعا ہے کہ میری باتوں کا رد کریں اور ابوبکر کی خلافت کے لیے اگر کوئی دلیل ہے دلیل ذکر کریں. دوبارہ ٹائمر آپ کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ رونا نہیں آپ نے. نکالو, تم جو مرضی کہیں دکھانا بھائی, تم جو مرضی دکھانا, تمہیں ابوبکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے نا. آپ نے سنے نا میری بات سنے, اب آپ نے کہا کہ میں حجت لے کے آیا ہوں بخاری سے اپنی کتاب سے, تو ہم نہیں مانیں گے. میں نہیں لے کے آیا تھا, آپ نے پیش کی تھی بخاری کی یہ حدیث اور آپ نے کذب کیا, جھوٹ بولا, پھر جھوٹ بولا آپ نے. میں پیچھے سوائی پیش کر چکا ہوں اس بات کی, میں پھر بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ بخاری کی حدیث جو حضرت عائشہ کی, یہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی. آپ نے اس میں سے یہ دھوکہ دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چلے گئے تھے اور ہجرت کر کے جو بندہ واپس آئے وہ فعل حرام ہے, اور میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا, رسول اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو شرعی کون ہے جو کہے کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فعل حرام کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق شک ہے. پھر جو ہے گھڑی عائشہ صدیقہ تعالی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ائمہ اہل بیت کی توہین کی ہے اور ان کے ساتھ توہین والی تعلیم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کیا, تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں, ان کو جواب نہیں آتا. پھر تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہیں, یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا. یہ یاد رکھے اور جاری, آپ ہی کان کھول کے سن لو میری بات. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی ہے, لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کذب ہے کہ آپ صحابہ کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ بات کی, نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ بات کی. کیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے؟ نہیں. کیا اللہ پاک نے انبیاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال نہیں کیے؟ نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لے اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے حضرت ہارون کے متعلق کوئی بات کرے. یہ کی ہوئی ہیں باتیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, اگر ایک صحابی کسی صحابی کے متعلق کوئی سخت کلامی کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی ان کی کوئی آپس کا معاملہ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والا بندہ بھی ان کے متعلق ایسا کرے. کیوں کہ شیخ صدوق آپ کا نقل کرتا ہے اور شیخ صدوق کی روایات کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح ہے, اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں. المالی کے اندر وہ روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق اس نے یہ بات نقل کی ہے. اٹھائیں شیخ صدوق کی کتاب, دکھائیں شیعوں کو, اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے, اب میں الزامی طور پہ وہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ کو ہاتھوں پہ مارا تھا. ہے
हैं, उठाएं दिखाएं दिखाएं तो वो बाग वाला वाकया हुआ और हजरत हजरत अली अली ये है नहीं है, है? नहीं आप बताएं अगर ये अगर मैं अगर ये निकल आए तो आप शिया मजहब छोड़ेंगे बताएं? नहीं है मुझे पता, मेरी तकरीर उस पर नहीं नहीं आओ आओ क्यों भाग रहे हो मेरे, अगर मुझे तेरी दिखाऊं तो मेरे मेरे अगर, मुझे अगर तेरी शर्त मंजूर है। अगर देखो अगर आपकी किताब देखो मैं मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अगर मैंने दिखा दिया और आपको बता दिया दिखाओ 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 मैं तो मजहब छोड़ दूंगा ना, मैंने तो कह दिया कि मैं कबूल करूंगा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैंने बातिल साबित किया आपकी बात को बातिल साबित किया तुम क्या अपने मजहब को छोड़ दोगे? मैं आपको अगली नशिस्त में दिखाऊंगा, मैं आपको अगली नशिस्त में दिखाऊंगा, अभी मैं अभी दिखाऊंगा, मेरे पास मतन भी मौजूद है, मैं भी दिखाऊंगा कोई बात नहीं है, मैं मतन भी दिखाऊंगा। अगर मैंने बावसो आपके इद्दा को बातिल साबित किया तुम क्या अपने मजहब को छोड़ दोगे? मैंने तो कह दिया मैंने आपकी शर्त को मान लिया। हमें जो हंसी आई है आपके हालत ज़ार पे हंसी आई है, इतने सालों से आप अबू बकर खिलाफत पे चल उसी पे इसरार, दलील एक भी नहीं है। और मर जाओ प्याली में पानी लेके डूब के मरो, हमारे पास दलील नहीं है। ओके ओके भाई साहब, हम इधर गाली देने के लिए नहीं आए, आपसे बात नहीं है। आप अगर अदब के दायरे में रहते हैं हम आपके साथ गुफ्तगू करते, आपके 10 मिनट भी खत्म हो गए भाई। आपके अदब के आप हमेशा गुस्से के साथ आ जाते हो भाई, हम इस तरह नहीं है यहाँ पर कि इधर आप इधर आके गाली दे दो, शियों को गाली दे दो या हम आप लोगों को गाली दे, हम इसलिए नहीं आते, हम यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू के लिए आते हैं भाई साहब। अगर आप इल्मी गुफ्तगू कर सकते हैं ना अपने गुस्से को कम कीजिए, आप दलील लेके आपका दलील मुहकम होगा तो वो मुझे शर्मिंदा कर देगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप चीखें यहाँ पर, आप मुझे आप बुरी बातें कह दें और सबको यहाँ पर नाराज़ कर दें देखने वालों को और सबको गुस्सा आ जाए, ये हम ना मेरा इस्लूब है और ना मैं इस प्रोग्राम में इस बात की इजाज़त दे सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इस तरह नहीं है कि सिर्फ हम और आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इधर सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस तरह के अल्फाज जब आप कहेंगे ना तो मैं भी गलती से आपका जवाब दे दूँ और फिर ये बात अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप मेहरबानी करें मेरे भाई चिश्ती साहब, आप मेहरबानी करें, हमेशा यहाँ पर आते हैं ना अपने गुस्से को दिल में रखें, अगर वो सब है भी ना तो आप आराम से तसल्ली से इल्मी गुफ्तगू करें, उसमें मुझे इल्म के साथ मुझे अपने दलील अपने हुज्जत के साथ मुझे आप शिकस्त दे दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की बातें जो है ना, अभी आपसे अबू बकर की खिलाफत पे बात हो रही थी, अबू बकर की खिलाफत की तो आपने कोई दलील लेके आए ही नहीं, आप अबू बकर की खिलाफत की कोई दलील तो आपके पास है ही नहीं है, आपने कुछ जिक्र ही नहीं कि आपको इतना टाइम दिया हमने, आपने अगर मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बात की है इसलिए कि आपने मुझसे सवाल किए थे, आपने मुझसे 2-3 सवाल किए तो मैंने उसके सवाल के जवाब दिया, आपने कहा कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में डांटा है, बिल्कुल नहीं डांटा है। हमारा मौकफ है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में कहीं भी नहीं डांटा है, अगर कहाँ कभी कहीं पर जाहिर में यह है कि उसकी डांट है तो वह हकीकत में डांट नहीं है, वो लोगों की डांट है, लोगों की मजम्मत है, क्योंकि कुरान इसलिए नाजिल हुआ है, इस तरह नाजिल हुआ है, या के आनी वस्मैया जा रहा है, या के आनी मैं तुमसे कहता हूँ लेकिन वो दूसरा सुने, वो हकीकत में लोग और मंजूर हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर नहीं है।